हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करने की ट्रिक देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में कभी भी इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करेंगे इसमें यूनिट डिजिट की, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई अंक। पहले दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 5 3 2 मल्टीप्लाई आपका 4 7 6 गुणा आपका 5 3 8 7। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई चिन्ह आपका, उसके बाद आपका मान लीजिए 1 3 2 1। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। अगर पूछे आपसे इसमें से आपका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है तो कैसे निकालोगे, तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। उसमें इसका देखो लास्ट डिजिट कौन सा आपका 2 है, तो 2 लिख लेंगे इधर आपका। इसका क्या 6 है, तो 6 लिख लेंगे। गुणा आपका इसका क्या है 7 है आखिरी अंक, तो 7 गुणा इसका आपका 1 है। तो इन दोस्तों इन सबकी आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे होता है 6 2 12। तो दोस्तों हम 12 का 12 लिखना है, हमको 2 लिखना है, क्योंकि हमको मतलब केवल इकाई अंक से। ठीक है, 1 को छोड़ देंगे इधर, तो ये आपका हो गया 7 गुणा 7, यानी कि 7 एकम 7। तो 2 गुणा 7 कितना हो गया आपका 14 हो गया, और इसका इकाई कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसका आपका, जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ आपसे पूछा, देखते हैं आपका 3 2 7। ठीक है, गुणा 2 8 7 5 9। ठीक है, इस तरह से दे रखा आपका, और आगे आपकी संख्या है 3 2 5 गुणा आपका 8 7 6 2 5 3 और आपका इधर हो गया आपका। ठीक है, गुणा आपका हो गया 1 3 2। ठीक है, इस सब का आपको आखिरी निकालना है। तो संख्या देखिए लिख सकते हैं आप क्या है आपका, यहाँ पे 7 है आखिरी अंक आपका, हमको केवल यहाँ पे आखिरी अंक से मतलब है। ठीक है, और किसी अंक को हमको काउंट नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 गुणा आपका 9 हो गया, गुणा 5 गुणा 6 गुणा आपका 3 गुणा आपका 2 हो गया इधर। ठीक है, अब इसमें से हमको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज ध्यान रखिए, जहाँ भी आपका 5 दे रखा हो 2 दे रखा हो, तो 5 गुणा 2 कितना होता है आपका 10 होता है, यानी इकाई क्या हो गया आपका 0 आ गया। अब दोस्तों 0 में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 0 ही आएगा, तो यानी कि इसका जो इकाई होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जैसे दोस्तों आपका एग्जाम भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे 1 से लेके आपका 999 तक की अभाज्य संख्याएं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी इकाई अंक आपका क्या होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में होता क्या है, जो बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन लेकर डर जाते हैं पहले ही, कि इतना लंबा छोड़ा हम कैसे करेंगे। देखिए आप बताओ जी, पहले आवाज संख्या होती क्या आपकी, तो सबसे छोटी जो आपकी आवाज संख्या होती है वो होती है आपकी 2। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था आपको। उसके बाद आपको होता है 3, इन सब का मल्टीप्लाई करना आपको 5 7। ठीक है, 11 13, इस तरह से आपको चलता रहता है 17। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है, एक चीज़ आपको ध्यान देने, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, तो 2 गुणा 5 कितना होता है आपका 10 होता है। यानी यहाँ पे अगर आपका इकाई अंक 0 आ गया, तो 0 में आप किसी भी कितनी भी संख्याओं के मल्टीप्लाई कर लो, उसका इकाई अंक आपका 0 ही आएगा, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आपका। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि 4 7 2 गुणा 5 9 2 7 गुणा आपका हो गया 3 4 5 6 गुणा आपका 5 6 3 गुणा आपका हो गया 8 1 8। अब इसमें हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हमको मतलब है केवल आखिरी अंक से, यानी इकाई वाले अंक से 2 7 6 3 8, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 गुणा 7 गुणा 6 गुणा आपका 3 और गुणा आपका 8। तो देखिए, तो 7 2 14 होता है आपका, तो 14 के लिखेंगे 4, 6 3 18 होता है, 18 लिखेंगे आपका 8, और यह आपका 8, तो 8 गुणा 8 गुणा 4 832 हो गया। यहाँ से देखिए आपको 32 2 लिखना है आपको, गुणा 8
अर्ध सूर्य का आपको लिखना 6, यानी जो आपका इकाई अंक हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो आपके घात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए। जैसे कि पहला है आपका नियम फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जब भी यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या आपका 6 हो। ठीक है, अगर आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी आ रहा हो तो जो इसका इकाई अंक होगा वो आपका वो सेम उसकी संख्या होगी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 5, 4, 3, 8, 6 ये संख्या दे रखी है आपकी। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है आपकी 8,231। तो यहाँ पे आपको इकाई अंक ज्ञात करना, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? दोस्तों यहाँ पे आपको पहली चीज़ ध्यान देनी है, सबसे पहली चीज़ वो क्या देनी है कि आपको 6 है तो हमको 6 से मतलब है, यानी 6 की पावर 8, 2, 3, 1 से मतलब है, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है 5, 4, 3, 8 से। ठीक है, तो देखिए आपको पहले बताया ऊपर कि अगर संख्या का इसका आपका इकाई अंक 6 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका इकाई अंक क्या है? 6 है, तो इकाई अंक आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से कुछ भी होना आपका, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं आपका कि यहाँ पे 6 है तो 6 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? देखिए आप 6 की पावर देखिए, 1 करोगे तो आपको 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो आपको 36 आएगा, तो इसमें आपका इकाई अंक 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 करोगे तो आपका 216 आएगा, इसमें आपको 6 आ रहा है इस तरह से। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, 5, 4, 5, 3, 2, 1 इसकी पावर आप कुछ भी लगा दो, सम हो या विषम हो। ठीक है, 8, 1, 3, 2 तो इसमें क्या होगा आपका, यानी 1 की पावर आपका 8, 1, 3, 2 तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा इकाई अंक वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आधार 6 था आपका तो इकाई अंक 6 हो गया, यहाँ पे आधार आपका 1 है तो आपका इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका 5 दे रखा हो आखिरी अंक, जैसे 7, 3, 5 इसकी पावर आपका हो 1, 2, 3 तो उसमें क्या करेंगे, 5 की पावर करेंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो जो इसका इकाई होगा वो आपका 5 हो जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हो। और 0 होगा तो भी आपका इकाई 0 ही आएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा इस तरह दे रखा आपका। ठीक है, इसकी पावर दे रखी है आपकी 139, तो यहाँ पे आपको 0 की पावर 139 है तो इसमें जो आपका इकाई अंक है वो आपका 0 रहेगा। तो पहला नियम दोस्तों आपको ये हो गया कि जब आपका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या आपका 6 हो, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो तो आपको ये नियम लागू करना है। अगला नियम देखते हैं आपको, नियम 2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, अभी कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे इसमें से आपके। नियम दूसरा कौन सा आपका, जब आपका इकाई अंक आपका 0, 1, 2 यानी कि 0, 1, 5, 6 ना हो के बाकी सब हो, जैसे कि आपका 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, 7 हो, 8 हो, आपका 9 हो, अगर इनमें से आपका कोई सा भी इकाई अंक होता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है? तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जैसे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि 2 की पावर हम 1 करते हैं तो कितना आता है आपका, 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 4, 2 की पावर 3 करते हैं कितना आता है आपका 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है आपका 32। इस तरह से हम देखते हैं इधर आपका, जैसे 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 की पावर 2 करोगे तो आपका 9 आएगा, और 3 की पावर 3 करोगे आपका 27 आएगा, 3 की पावर 4 करोगे तो आपका 81 आएगा, और 3 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 243। ठीक है, और 3 पावर 6 करो कितना आएगा आपका 729। इस तरह यहाँ देखिए, 2 पावर 6 करो कितना आएगा आपका 64। ठीक है, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे आपका आखिरी में 2 आ रहा है या 4 आ रहा है या 8 आ रहा है या 16 आ रहा है, फिर यहाँ पे 32 आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये आपको 2 आ रहा था यहाँ पे 2 पावर 1 में, तो 2 की पावर 5 में आपको 32 आ गया, यानी आखिरी का आपको 2 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए आप, यहाँ पर 4 है आपका तो यहाँ भी आपका आखिरी अंक 4 आ गया। इस तरह से आप यहाँ देखिए, 3 की पावर 1 में 3 है तो 3 की पावर 5 में आपका 243 आ गया, यानी कि आखिरी अंक आपका 3 आ गया। और यहाँ पे देखिए आपका 9 है आखिरी अंक, यहाँ पे आपका आखिरी अंक 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर चौथी पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा है आपका,
ठीक है। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, जब भी आपके इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में कोई दे रखा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो उसकी पावर होती है ना, उस पावर में हम 4 से भाग देते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका शेष बचेगा उसको हम, जो उसका आधार है उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देते हैं, एक जैसे कि आपको दे रखा है 423 की पावर आपका हो गया 7, 6, 2, 5, ठीक है। तो इसमें क्या करें, देखिए आपका आखिरी अंक क्या, आपका 3 है, तो 3 की पावर आपको देखिए 7, 6, 2, 5, तो इसमें हमको क्या करना होगा, जो आपको पावर दे रखी है उसमें हम 4 से भाग देंगे, यानी कि 7 25 में हम 4 से भाग देंगे। और दोस्तों बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 4 से भाग देंगे रूल क्या होता है आपका, कि उस संख्या के आखिरी दो अंकों में हम 4 से भाग देते हैं, तो 25/4 करेंगे, 6 बढ़ जाएगा, कितना शेष बचा आपका, 1 बचा आपका शेष। तो दोस्तों जो आपका शेष बचेगा उसको हम 3 की पावर पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 हो गया आपका, तो कितना आंसर हो जाएगा आपको, 3, यही दोस्तों आपका इकाई अंक हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 शेष बचता तो यहाँ पर पावर 2 रख देते, 3 शेष बचता तो आप पावर 3 चढ़ाते। अगर दोस्तों इस कंडीशन में आपका, अगर आपका शेष 0 बचता है, शेष बराबर आपका 0, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, जब भी दोस्तों आपका शेष 0 बचे तो उस कंडीशन में पावर आपको 4 लेनी है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं 5, 8, 2, ये हो गया आपका, ठीक है। ऊपर क्या आपका 624 है, तो क्या निकालना है इसको, आपका 2 की पावर 624, तो देखिए पहले जो 24 जो आखिरी दो अंक है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24/4 करेंगे, तो 6 बार गया आपका शेष, कितना बच गया, 0। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, 2 की पावर आपका 4 लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, 16 होता है, तो यानी कि आखिरी अंक क्या होगा आपका, 6 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, जैसे कि आप दे रखा है 548, ठीक है, इसकी पावर दे रखा है आपका 726, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आपका, कि जो आखिरी अंक है आपका 8, इसकी पावर लगाएंगे 726। ये दोस्तों आपको लिखना नहीं है एग्जाम टाइम पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको क्या करना, डायरेक्टली 26 में भाग देना 4 से, तो कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार, 24 हो गया, 2 बच गया आपका शेषफल, तो यहाँ पे 8 की पावर 2 लिख देंगे, तो 8 × 2 कितना होता है, 8 × 8 कितना होता है आपका, 64, यानी कि जो आखिरी अंक क्या होगा आपका, 4 हो गया, यही दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर आ गया इसका। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपका, जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका 17, 86, 52। दोस्तों आप कितनी बड़ी पावर हो आपकी, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, 635, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आपका, 2 की पावर लगाएंगे 635, अब इसमें 35 में भाग देंगे आपका 4 से, कितनी बचाएंगे आप, 832, 3 बचा आपका शेषफल, तो कितना हो गया आपका, 2 की पावर यहाँ पर 3 चढ़ा देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम ऊपर पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है आपका, 8 होता है, यानी कि जो इकाई अंक है वो आपका 8 आ जाएगा यहाँ से, यही दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका। अगला देखते हैं आपका, कुछ भी एग्जाम्पल लो आप, जैसे कि 1, 3, 7, 8, ठीक है, इसकी पावर क्या चढ़ाना आपको, इसकी पावर 23 होगी आपकी इसकी, ठीक है, तो बराबर क्या करेंगे हम, 8 की पावर 23 लिखेंगे, और 23 में भाग देंगे हम 4 से, तो 525 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका शेष, तो यानी कि आपका 8 की पावर 3 हो गया। इसको खोलेंगे कितना होता है आपका, 8 × 8 × 8, हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो क्या करना है आपको, 8 × 3 कितना होता है, 500 बार होता है, यानी आखिरी अंक क्या होता है आपका, 2, तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके, जैसे कि हो गया आपका कि 462 की पावर 6, 3, 2, 8, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे आपका, 2 की पावर 23, 28 हो गया ये, ठीक है, जो 28 है इसमें भाग देंगे आपका 4 से, तो आपका 0 बच गया शेष। तो उस कंडीशन में क्या करनी है हमको, कि 2 की पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, जब आपको शेष 0 बचेगा तो आपको पावर 4 चढ़ानी है हमेशा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी इकाई अंक आपका आ गया 6, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल वो देखते हैं आपका, 327 की पावर 244, अब देखिए 7 की पावर कितना हो गया, 244, अब भाग देंगे 44 हम 4 से, तो 11 बढ़ जाएगा, शेष बचेगा 0 आपका, तो यहाँ पे हमको 7 की पावर लिखना है 4,
ठीक है। अब दोस्तों आप गुणा करोगे तो आपको बहुत लंबा होगा, तो क्या करना है आपको, 7 × 7 × 7 × 7 हमको चावल लिख लिया हमने, तो 7 में 7 की मल्टीप्लाई कितना आया आपका, 9 आया। इधर करेंगे 7 में 7 की, 9 आ गया, और 9 में 9 की मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 81 आएगा। तो यानी कि जो इकाई अंक है वो आपका आ गया 1, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों जितना भी आपका पैटर्न था वो मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपका था कि इकाई अंक निकालना आपको मल्टीप्लाई वाला, उसमें तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और नियम बन क्या था आपका, कि जब संख्या के आखिरी अंक आपका 0 हो 1 हो 5 हो या आपका 6 हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब पावर चाहे आपकी कुछ भी हो, सम हो विषम हो, ठीक है, तो वही संख्या आपकी आंसर होगा। यानी 0 की पावर आपका सम या विषम होगा, ठीक है, तो आपका 0 होगा इकाई अंक, और 1 की पावर आपका सम विषम होगा, तो उस केस में क्या होगा आपका, 1 होगा आपका इकाई अंक। अगर होगा आपका 5 की पावर सम या विषम, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 की पावर होगा आपका सम या विषम, तो उस केस में क्या होगा आपका, 6 आपका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका नियम पहला हो गया। अब देखते हैं हम नियम दूसरा जो क्या था आपका, इसमें क्या था आपका, कि जब भी आपका इकाई अंक या तो आपका 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो या आपका 9 हो, ठीक है, इनमें से आपकी कोई संख्या हो, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, जो उसकी पावर दे रखी होती है पावर, ठीक है, या यानी कि ले सकते हो आपको पावर, उसमें हम देखते हैं हम 4 से भाग देते हैं पावर में, ठीक है। तो उसका क्या होता है, जो आपका शेष बचता है, शेष बचेगा उसको आपका जो संख्या दे रखी है उसका आधार जो उसका आपका, ठीक है, यानी संख्या आधार की पावर में आपका शेष लिख देते हैं, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, उसका स्क्वायर वगैरह जो भी आपका आएगा तो वो आपका आंसर होता है। और एक कंडीशन आपकी ये बनती है कि जब अगर आपका शेषफल 0 हो, शेषफल बराबर 0 आने पर हम क्या करते हैं, उसको जो आधार है आपका उसमें हम 4, उसकी पावर हम 4 लगाते हैं हमेशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पिछले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपका एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे अगली वीडियो में और कुछ मैथ के टॉपिक कराएंगे आपको, नंबर सिस्टम जो आपको चैप्टर चल रहा है, अभी तक हमारे चैनल पर 3 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम की इस वीडियो को लगा के। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, कि जो आपका SD यादव बुक आती है मैथ की, उसके हमारे चैनल पर पूरे नंबर सिस्टम के जो 158 क्वेश्चन हैं वो सभी आपको सॉल्व करा दिए गए हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और इसका एक चैप्टर है आपका SCF LCM, उसमें आपके लगभग 97 क्वेश्चन हैं, ठीक है, शायद, या 84 क्वेश्चन हैं इसमें, वो सभी आपको सॉल्व करा देंगे दोनों चैप्टर, ठीक है। ये दोनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगर चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, जहाँ पे आपको GS की या GK की PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है, और कुछ आपको बुक्स की PDF भी मिलेगी, तो आप नीचे हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और या चाहते तो आप 87 517 427, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप कोई प्रॉब्लम हो। दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।